सो यार राधे देख के जिंदा बच गए ना, तो कसम से आप सरदार जी का ग्रैंडसन देख लिए, 100% डेफिनेटली आप कोमा में जाने वाले हो। अगर यकीन नहीं आता तो एक बार देख के जरूर बताइएगा, बताने लायक नहीं बचोगे वैसे तो। हे दोस्तों, मैं रोहित आज हाजिर हूँ आपके लिए सरदार जी का ग्रैंडसन का रिव्यू ले गए भाई साहब। वैसे तो मन नहीं था, फिर भी चलो कर लेते हैं। ये फिल्म जो 18 मई को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज की गई, इसकी जो स्टारिंग है वो अर्जुन कपूर और साथ में रघुकुल प्रीत नजर आएंगे, और कैमियो रोल में साथ साथ आपको जॉनी इब्राहिम नजर आने वाले हैं, और साथ ही साथ अदिति हैदर अली नजर आने वाली हैं। जी हाँ, अब आएंगे भाई कहानी की ओर। कहानी से पहले बताओ, इसका जो कॉन्सेप्ट है इतना वाहियात कि आप ना मतलब पूरी की पूरी कहानी तो भाई प्रेडिक्टेबल है, और देखते मतलब खुद ही बता दोगे, यानी कि शुरुआत होगी कहानी की आपके साथ फिल्म की, और आप ना एंड तक खुद ही बता दोगे क्या होने वाला है फिल्म के अंदर। मतलब कि इतना बकवास अगर कॉन्सेप्ट लाना ही था तो भैया नेटफ्लिक्स इंडिया की क्यों बेइज्जती कराने पर तुले हुई हो यार बॉलीवुड वालों। अब आप पूछने वाले भाई कहानी क्यों ऐसी प्रेडिक्टेबल है, क्यों ऐसा आपको लग रहा है, क्यों आपके रखें कि भाई मैंने फिल्म देखी, मैंने झेली और मैं आपके सामने जिंदा, यही बहुत बड़ी बात है। तो स्टोरी पाएंगे ज्यादा स्पॉइलर नहीं पाएंगे। देखो स्टोरी क्या है, एक दादी है, ठीक है, दादी हो चुकी है 60 यानी कि 80-90 साल की हो चुकी है, उनकी उम्र हो चुकी है मरने के लिए, लेकिन भाई वो अपने पुराने ख्यालों में डूबी है। पुराने ख्याल क्या है कि उनका जो लाहौर में पहले घर था, अपने पति के साथ वहां रहा करती थी, और उनकी आखिरी इच्छा ये है कि उस घर को देखें। जी हाँ, और उनका ग्रैंडसन आता है यानी कि अर्जुन कपूर आता है, वो पाकिस्तान पहुंच जाता है लाहौर अपने घर को लेने के लिए। अब फिल्म के अंदर मतलब खुद ही बता सकते हो आगे क्या होने वाला भाई। आगे देखो, बस एक भी बंदा विरोध करने वाला नहीं है, एक बंदा निकलता है विरोध करने वाला, वो विरोध नहीं कर रहा, वो भाई बदला ले रहा है। क्या हुआ, वो इंडिया में मैच देखने आया था, उन्हें हरभजन को बंदर बोल दिया, जिस वजह से दादी ने उसे पीट डाला, तो भैया वो तो अपनी शिकायत कर रहा है, यानी कि एक भी नेगेटिव रोल नहीं है। और डायलॉग इतने बकवास भाई यार, डायलॉगिंग इसमें की गई है ना इस फिल्म से। पहले मैं आपको बताऊं, संदीप और पिंकी फरार आई थी अर्जुन कपूर की, वो फिल्म के लिए मैंने कहा था कि माइनस कम पड़ जाएंगी, लेकिन इसको देखने के बाद मैं उसे 10 of 10 देने वाला हूँ। जी हाँ, इतनी बकवास डायलॉग डिलीवरी इसमें की गई है। और भाई साहब देखो, मतलब इंडिया को एक तरीके से नेगेटिव के थ्रू भी दिखाया गया, मतलब पाकिस्तान में वो गया और वहाँ के जो पाकिस्तानी लोग उसे तो भाई साहब देखो क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। एक भी बंदा विरोध नहीं कर रहा, एक कर रहा था वो बताया मैंने आपको क्या कर रहा है। और भाई वहीं दूसरी तरफ बात कर ले कि भाई जब वो व्यक्ति जिस जो मेयर है, मतलब जो इंडिया मैच देखने जाता है, तो उसे दादी पिटाई करती है, तो वो चाहता है कि दादी मुझे सॉरी बोल दे, लेकिन दादी सॉरी कैसे बोल रही है, कुत्ते को, और कुत्ते को सॉरी बोल रही है, लेकिन उसे वीडियो में दिखा देता है अर्जुन कपूर के, कुत्ते को नहीं तुम्हें बोल रही हूँ, और फिर उसके मुँह पर ही कह देता है कि भाई कुत्ता। तो आप जान रहे हो यार, मतलब कि कैसी विचारधारा एक तरीके से दिखा रहे हैं कि मतलब कि बेमतलब में हिंदुस्तानी किसी को ऐसे कहेगा, मतलब फिल्म के थ्रू दिखाया गया है बेमतलब में ही हम मतलब कि किसी को इतना बेस। अरे ऐसा तो भाई देखो नहीं था, मतलब कि माना अपनी आत्मसम्मान होता है, हर चीज़ हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब आप कहने वाले हो कि भाई आप पाकिस्तान की क्यों इतनी कर रहे हो जो भी, और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि इस हिसाब से इंडिया पे क्या फर्क पड़ने वाला वो इस फिल्म के अंदर यार। मतलब कि ऐसी मानसिकता दिखाओगे तो ऐसा कैसे चलेगा यार, क्योंकि आपको तो पता है ना दोनों तरफ, मतलब कि थोड़े लोग तो वहाँ के भी हैं जो इंडिया की फिल्मों को देखते हैं। तो दोस्तों देखो, पूरी की पूरी फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी, राइटिंग थी, वाहियात थी, और डायरेक्शन को बारे में तो कुछ कहने लायक बचा ही नहीं, डायलॉग बकवास, और वहीं बीजीएम सीजीएम का तो आप नाम भी मत लीजिएगा कि एक साउंडोग्राफी का कमाल किया गया है, जी नहीं बकवास झाटू। वीएफएक्स हल्का फुल्का थोड़ा बहुत सही लगा, और एक्टिंग की बात कर ले वहीं पर थोड़ी सी, तो अर्जुन कपूर के अलावा किसी भी झाटू की एक्टिंग बढ़िया नहीं लगी मुझे। झाटू मतलब कि हीरोइन का किरदार है ना है पता ही नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कि इसके अंदर अर्जुन कपूर ही था जो भी थोड़ा बहुत बचा है, और वो भी मतलब मुझे वाहियात लगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जो रेटिंग देना चाहूँगा, पहले तो आप देख लीजिए, इसके लिए रेटिंग देना चाहूँगा 3 out of 10। जी हाँ दोस्तों, और मैं मिलता हूँ आपको इंस्टाग्राम पर, फॉलो जरूर कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बाय बाय यार।